जाती है, खास तौर पर रिश्वत आम हो जाती है, बदकारी आम हो जाती है। जिस कौम के अंदर सूद आम हो जाता है तो वहां फिर अल्लाह का अजाब आता है। वो अजाब मुख्तलिफ सूरतों में आता है, कभी जलजलों की सूरत में, कभी वो अजाब तूफान की सूरत में, कभी कहसाले की सूरत में, कभी जालिम हुक्मरानों पर मुसल्लत करने की सूरत में, कभी बच्चों की नाफरमानी की सूरत में, कभी तंगदस्ती की सूरत में, मुख्तलिफ अंदाज से कौमों पर अजाब आता है और आपस की मोहब्बतें नफरतों में बदल जाती हैं। नतीजा तक वो कौम तबाह बर्बाद और हलाक हो जाती है। कुरान पढ़कर देखें, रब ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर फरमाया है, फरमाया फंजुर कैफ काना आकिबतुल मुजरिमीन, फरमाया देखो जमीन की सैर करो, तबाहाल कौमों के अहवाल पर नजर करो, उनकी जगहों को देखो और इबरत पकड़ो कैसा रब ने मुजरिमों का अंजाम दिया है। कहीं फरमाया फातबिरू या उलिल अबसार, ऐ अकल वालों, ऐ आंख वालों, इबरत पकड़ो, नसीहत हासिल करो। लेकिन बेहिस्सी की इंतहा होती है। इंसान गफलत की वजह से, इल्मे दीन से दूरी की वजह से, जहालत की वजह से आंखों पर दुनियावी एक ऐसी क्या कहते हैं शोहरत की पट्टी बन जाती है कि दूसरों के अंजाम से इबरत हासिल करने की बजाय इंसान गुनाह पर गुनाह किए चला जाता है। एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग के अंदर अगर कभी कोई महफिल नात घर में रखी, ऊंची आवाज से नाते चलाए, ऊंची आवाज से बयान हो, लाउड स्पीकर ऑन हो, इको साउंड लगा हो, पूरी बिल्डिंग उसके पास जमा होकर बंद करवा देती है। बच्चे छोटे हैं, घर में मरीज हैं, अब आप थोड़ी काम करो, ये क्या आप ड्रामा लगा रखा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल ठीक है, बिल्डिंग के अंदर या मोहल्ले के अंदर रात को इतनी ऊंची आवाज से नाते चलाना, कुरान की तिलावत चलाना या बयान करवाना, महफिल करवाना बिल्कुल भी दुरुस्त अमल नहीं है, जिससे दूसरों को तकलीफ। लेकिन मैं आप सबके दिल पर दस्तक दे रहा हूं, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, जरा दिल पर हाथ रखकर हर एक वार करे, अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर कोई गाने बजाए, आपकी बिल्डिंग में किसी के बच्चे की सालगिरह हो, किसी के शादी का मामला हो, वो रात 2 बजे तक बुलंद आवाज से गाने चलाए, उस घर के अंदर से ऊंची आवाज से कहकों की आवाज आए, लाउड स्पीकर बहुत ऊंची आवाज से हो, पूरी बिल्डिंग की सिप हो, मुझे बताइए कोई एक बंदा उस घर में जाकर क्या समझाता है? क्यों नहीं समझाता? अगर बेगम भी कहे कि जाकर समझाए, बच्चा सोता नहीं है, तो आगे से शोर साहब कहते हैं अरे शादी का मौका है, करने दो, शादी का मौका है, खैर नाच गाना करने दो। बाहर से वो औरतें या बंदे बुलाकर घर में डांस पार्टी कर रहा हो, बिल्डिंग का कोई बंदा जाकर समझाने के लिए तैयार नहीं, क्यों? शादी का मौका है, खुशी का मौका, करने दो। यानी इतने बेहिस हो चुके हैं मुसलमान कि अगर उसी बिल्डिंग के अंदर अगर नातों की आवाज आए, अगर तिलावत की आवाज आए, सबको तकलीफ है, लेकिन उसी बिल्डिंग के अंदर गाने बाजे की आवाज आए, सारी रात हो, जनाब उनका सीधा काम करते रहे, कोई समझाने के लिए तैयार नहीं, तो खुद दिल पर गौर करें हमारे ईमान की कैफियत भी क्या है। गली के अंदर शामियाना लगाकर महफिल नात अगर किसी ने रखी हो, रास्ता बंद कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा इससे अच्छा काम किया, जब भी गलत है, दुरुस्त नहीं, बुलंद आवाज से नाती हो रही है, बुलंद आवाज से अगर तिलावत हो रही है, सारी बिंदित वाले नबड़े जबरदस्ती खत्म करवा देंगे, नाक खत्म करवा सकते, थाने में जाकर एफआईआर कटवा देंगे। ये मोटा तरीका है, गली को बंद कर दिया गया, लोगों के हुकूम बहाल कर दिए गए। लेकिन जरा दिल पर हाथ रखकर हर मेरा नवासी भाई, हर एक मोहल्ले वाला गौर करे, अगर इसी गली के अंदर शादी का प्रोग्राम हो, इसी गली के अंदर नाच गाने का प्रोग्राम,
अगर सब बूढ़ों को आप किसी और जगह छोड़कर आते हैं, क्या छोटे बच्चों को किसी और घर में छोड़कर आते हैं? क्यों नहीं होती तकलीफ? इसलिए तकलीफ नहीं होती कि हम ईमानी तौर पर बहुत कमजोर हो चुके हैं। फिर रोना किस बात का? किस बात की वजह से आप कहते जरा बेरोजगारी बढ़ गई, हुक्मरान जालिम आ गए, महंगाई हो गई? अरे अल्लाह के बंदा, जब रब का नाफरमान करोगे, जब सब मिलकर इस रात जमा होकर अल्लाह के रजब को दावत दोगे, तो तुम्हारे क्या ऊपर से रहमतों की बरसात बरसेगी? बातें हो सकता है आपको तकलीफ दी, हो सकता है दिल पर थोड़ी सी आपको अल्लाह के लिए नदामत हो, या हो सकता है बाद लोगों को यह भी है मौलाना साहब की किस माहौल की बातें कर रहे हो, मुसलमानों से बात कर रहा हूं, मेरे सामने मुसलमान है, मुझे सुनने वाले मुसलमान है, मेरी मस्जिद के नमाजी हैं, इस मोहल्ले के लोग हैं, जरा गौर करें क्या ऐसा नहीं होता? वीडियो गेम्स, गौर करें हमारी गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर वीडियो गेम नहीं खुल रहे, हमारे मोहल्लों के अंदर क्या क्या कुछ नहीं हो रहा? शराब की दुकान खुल जाए लोग तैयार नहीं उसको बंद करवाने के लिए, क्यों? क्योंकि नौजवानों के मशवरा मिल गया, लड़कियां आए बेलिबास क्या बगैर पर्दे के घूमे फिरे, कुछ भी होता है किसी को कोई नहीं चले, भाई उनका मामला है, अल्लाह के बंदों का यही बंदों में उसका मामला है, इसका मामला है, शादी का मौका है तो शादी के मौका पर कब इस्लाम में जायज कहा है? तकलीफ तो दोनों सूरतों में होती है, चाहे बुलंद आवाज से नाच चलाई जाए रात के वक्त में या फिर गाना चलाया जाए, लेकिन नाच की आवाज पर तकलीफ है, गाने की आवाज पर कोई तकलीफ नहीं, तो गौर कर ले हम किस रेंज पर जा रहे, यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। सच है कि जैसा करेंगे फिर वैसा भरेंगे। मैं बार बार अल्लाह से अर्ज करता हूं, रिस्क रब ने लेना है, बीमारी से शिफा रब ने देनी है, परेशानियों को दूर रब ने करना है, नाफरमान औलाद को फरमाबरदार रब ने बनाना है, अच्छे हुक्मरान रब ने मुसल्लत करने हैं, जब सब करना रब ने है तो लोगों को राजी करना चाहिए ना। कौमे लूत का मैंने अभी आपके सामने बयान किया, कौमे लूत में जब बेहयाई आम हो गई, जब बेशर्मी हद से बढ़ गई, जब औरतों को छोड़कर मर्दों से वो बदकारी करने लगे, तो फिर उन पर अजाब नाज़िल हुआ, सफ़े 80 से उनको मिटा दिया गया। आज हमारे मुआशरे में क्या ये गुनाह नहीं होते? लड़कियों की लड़कियों से दोस्तियां, लड़कों की लड़कों से दोस्तियां, गलत काम, बदकारी, बेहयाई, बेशर्मी हमारे मुआशरे में कितनी आम हो चुकी है, बिल्ली के अंदर कितनी बेहयाई आम हो चुकी है, लेकिन किसी को तकलीफ होती है? किसको तकलीफ होती है? तकलीफ होती है तो भी समझाया जाए, बिल्ली के अंदर गाने बाजे हो, शादी के नाम पर हो, चाहे शादी में कब जायज कहा, जिस शादी का आगाज गाने बाजों से हो, रब की नाफरमानी से हो, बेपर्दगी से हो, लड़के लड़कियों की दोस्तियों से हो, म्यूजिक से हो, तो शादी आबाद नहीं, खाना बर्बाद होती है, बच्चे भी नमाजी नहीं, बच्चे मां बाप के नाफरमान पैदा होते हैं। खास तौर पर मेरे जो नमाजी हैं उन्हें सुन रहे हैं, खुदा के लिए आप इतने बेहिस ना बने, ईमान को इतना कमजोर ना करें, अल्लाह को जवाब देना है। जो बंदा भी जैसे लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया, कौम को गलत काम से रोका, और कौम ने क्या किया था? बस्ती से निकाल दो, बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसा मर्द जाए खड़ा हो जाए तो बिल्डिंग वाले जमा करके इसको बस निकालो बिल्डिंग से, ये बंदा परेशानी करता है, परेशानी में मुबतला करता है। सुबह सुबह फजर की नमाज में अगर कोई दर्दमंद नमाजी बिल्डिंग से उतरते उतरे चार लोगों को नमाज की दावत दे दे कि भाई नमाज का वक्त हो गया आ जाए मस्जिद में, कई लोग आकर कहते हैं क्या करते हो यार, बच्चे सो रहे हैं। फजर की नमाज से पहले, बल्कि फजर की अजानों के बाद भी कई मरतबा हमने सुना, आपने सुना होगा, मैंने कई मरतबा सुना है, नमाज के लिए आए तो फिल्मों की आवाजें आ रही होती है, वो वक्त जब दुआएं कबूल होती है, जब अल्लाह बंदों से फरमाता है मेरे बंदों मांगो क्या मांगते हो तुम्हें दिया जाए, उस वक्त घरों से गानों की फिल्मों की आवाजें आ रही होती है। ये कोई गैर मुस्लिमों के मोहल्ले नहीं, यहाँ मुसलमानों की बिल्डिंगें हैं, मुसलमान रहते हैं हमारी बिल्डिंगों के अंदर, लेकिन क्या वजह कोई से समझा सके? तो घर में कोई दस्तक देकर के बेटा खुदा का खौफ करो, क्या कर रहे हो यार, खैर उसके घर का मामला है,
लेकिन अगर फिर झंझोड़ रहा हूं, अगर इसी घर से तिलावत की आवाज ऊंची आवाज से आए, नाम की आवाज ऊंची आवाज से आए, तो क्या नहीं समझाएंगे? कितने लोग आपको समझाएंगे कि क्या कर रहे हो भाई? नीचे कर लो, मस्जिद में जाने दो, आप तिलावत सुन लो। मतलब यह है कि हम लोग ईमान के तौर पर कमजोर हो चुके हैं। मेरे तमाम नमाजी भाई सच्चे से इरादा कर वादा कर, अगर अपनी बिल्डिंग में अब ऐसा मसला होगा, मैं झगड़े की बात नहीं कर रहा, मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप झगड़ा करें उनके पास जाकर रिक्वेस्ट समझाएं, और यह इसलिए नहीं कि आप यह समझें कि लोगों को तकलीफ हो रही है, यह भी एक नेकी है। आप कितनों को समझा दें, कई कमजोर होंगे हमारे जैसे, कई कमजोर ऐसे होंगे जो हिम्मत नहीं कर पाते, मैं कैसे इनको समझाऊं? पता समझाया तो बातें सुनने को मिलेंगी, डांट देंगे, लेकिन कई ऐसे नमाजी भी होंगे माशाल्लाह जो हिम्मत वाले होंगे, अल्लाह ने जिनको ताकत दी तो समझा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो खुदा के लिए सब मेरे प्यारे, जितने मेरे नमाजी भाई आप मेरी मस्जिद में आते हैं, सब दिल पर हाथ रख के सच्चे दिल से नियत करें, अगर बिल्डिंग के अंदर बुलंद आवाज से गानों की आवाजें आएंगी या नातों की आवाजें आएंगी, म्यूजिक की आवाजें आएंगी या लाउड स्पीकर पर नातों की आवाज आएगी, दोनों सूरतों में आप एहतराम के पास आ जाएंगे, जाकर समझाएंगे कि मेरे भाई शरीर तौर पर आपका कलाम मेरे सामने है, जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, शरीर तौर पर बिल्कुल भी इजाजत नहीं ऊंची आवाज से, इतनी ऊंची आवाज से नाते चलाना या गाने चलाना जिससे दूसरों को तकलीफ, ये जायज नहीं, गुनाह है। ये समझ रहे बात, मैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, रब का कलाम मेरे सामने शरीयत का हुक्म बता रहा हूं। हमारा काम क्या है, उनको समझाना, समझाएं कुरान में आता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़ुल मुमिनीन, और समझाओ के समझाना फायदा देता है। समझाएं, रिक्वेस्ट करें, चार बंदे मिलकर जाए कि मेरे भाई अफलक तो यह है कि गाना वगैरह ना करें, तिलावत नाद अच्छी चीज है लेकिन आहिस्ता आवाज, महल्ले के अंदर लाउड स्पीकर लगाने की क्या जरूरत, घर के अंदर जितने लोग बगैर स्पीकर के भी आवाज पहुंच जाती है। मुझे पता है, मैं बिल्डिंग में रहता हूं, कई मरतबा ऐसा होता है आस पास के घरों में बुलंद आवाज से जब गानों की आवाजें आती है या तिलावत की आवाजें आती है, दोनों सूरतों में डिस्टर्ब होते हैं। चलती पहले की बात, हमारे अपनी बिल्डिंग के अंदर ही एक घर था जहां से पहले 12-1 बजे तक ऊंची ऊंची आवाज से लाउड स्पीकर पर नातों की आवाजें आए, उसी बिल्डिंग से उसी घर से उसके बाद गानों की आवाजें 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक आती रही। अब मैं आपको किस बात पर समझाता, अगर समझाता कि भाई शादी के मौका पर नाथ आप कहते जनाब इससे पहले नाथ का काम कर चुके हैं ना, अब गानों का काम है, तो जरा खुद गौर करें कि जिसका मिजाज के तौर पर बन चुका हो कि उसी घर के अंदर उसी जगह से पहले नाते ऊंची आवाज से उसी घर से फिर म्यूजिक की आवाज है लोगों को डिस्टर्ब करना, दोनों ही गलत काम है। लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं पहले अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने पहले नाते चला लो उसके बाद गाने चला। जैसे आज भी बिल्डिंग किया दुकान में भी यही होता है, सुबह सुबह जाकर पहले कुरान पढ़ेंगे, तिलावत की आवाज चलाएंगे और उसके बाद उसी जगह उसको बंद करते चले, जब सुबह का टाइम खत्म हो गया गाने चलाओ, अब गाने शुरू हो गए। बस के अंदर जा रहे हो सुबह सुबह के वक्त में तिलावत है कुरान चला लो, फिर टाइम खत्म हो गया अब गाने, ये तिलावत बंद करके अब गाने चलाओ। अल्लाह की बंदो किसको सुना रहे हो? अल्लाह को देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है, पहले बंदों को तिलावत सुनाकर सवाब दे दिया, उन्हीं बंदों को बाद में 4 घंटे गाने सुनाकर फिल्में दिखाकर सुना दे दिया। तो मैं आप सब नमाजी भाइयों से आखिर में यही गुजारिश करूंगा, बिल्डिंग के अंदर महल्ले के अंदर ऐसा कोई भी प्रोग्राम हो, खुदा के लिए अपनी आखिरत पर नजर रखते हुए उनकी भलाई के लिए आप रोके, आप कितनों के दिल की दुआएं लेंगे, कितने कमजोरों के दिल की दुआएं लेंगे जो बोल नहीं सकती, छोटे छोटे बच्चे रोते रहते बेचारे सारी रात, वो बुजुर्ग यहाँ कितने बुजुर्ग मौजूद है बीमार होते हैं, नींद नहीं आती, पता नहीं किस वक्त रात को नींद आती, फिर गानों की आवाजें, फिर ऊंची आवाज से लाउड स्पीकर पर आवाजें कितना उनको डिस्टर्ब करती होंगी। वो माए जो सारा दिन बेचारे घर में काम करती है, रात को जब सोने का वक्त है, अब बच्चे कैसे सोएंगे जब इतनी बुलंद आवाजें आएंगी, उनके दिल की आपको दुआएं मिलेगी। तो मेरे नमाजी भाई रोकेंगे? आप सभी आके खड़ा करेंगे, बड़ा हिम्मत है, अल्लाह के घर में है, रुकेंगे सारे?
इंशाल्लाह सब रुकी। मैं कोई कह रहा हूं चाहे तिलावत की नातों की आवाज है चाहे गानों वाली दोनों ही गलत है, डिस्टर्ब होते सारे। घर के अंदर प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम करने करना बगैर इको में कर ले। मेरे घर में होता कितनी बार प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह होता है, कोई भी मेरा मोहल्ले का कोई भी करीब वाला आमने सामने का कभी कोई बता दे कि इमाम साहब के घर से कभी आवाज आई। घर में करते हैं, घर में कादरिया भी होता है, महफिलें भी होती हैं, लेकिन घर के अंदर बगैर लाउड स्पीकर के होता है। करना असल रब को राजी करना है, लोगों को थोड़ी दिखाना है। लेकिन हमने तो दिखाना लोगों को इतना बड़ा इको, इतनी बड़ी चीजें, कमरा बिल्कुल छोटा सा जहां वैसे ही आवाज आराम से भी आता है। ये सब समझाने के लिए मेरा काम है समझाना। समझ लेंगे अजर मिलेगा, नहीं समझेंगे क्यामत वाले दिन का मसला। मैं तो रब की बारगाह में ऐसे अर्ज़ करता हूं, बोला मैंने समझा दिया था, मेरा काम है मिंबर के तकाजे के तौर पर मैं समझाऊं। समझाना एक दूसरे को बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह बड़ी बख्ते मिलेगी, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता करे।